नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। एसएन गुप्ता पब्लिक स्कूल में हुआ नेत्र परीक्षण कैंप का विशाल आयोजन। जालौन कोच आज के परिवेश में वैसे तो हर आदमी संपन्न है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में परोपकार की भावना होती है वह लोग समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसी ही नगर की एक शख्सियत सुरेश गुप्ता राहुल गुप्ता बड़े मेल वाले के अथक प्रयास से श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश के द्वारा एसएन गुप्ता पब्लिक स्कूल पटेल नगर में नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर नेत्र विज्ञान स्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर श्रद्धांशु राम प्रताप ऑप्टिशियन, राम स्वरूप काउंसलर आदि की टीम के द्वारा कैंप में लगभग 450 मरीजों ने नेत्र परीक्षण कराया, जिनमें अधिकांश लोग आंखों में मोतियाबिंद आने के कारण दिखाई नहीं देता। ऐसे आधा सैकड़ा से अधिक मरीजों को टीम ने ऑपरेशन कराए जाने को ट्रस्ट की तरफ से आई बस में बैठाकर चित्रकूट को ले गए, जहां उनको निशुल्क ऑपरेशन, खाने पीने, रहने आने जाने की सारी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई। कैंप के आयोजक सुरेश गुप्ता व राहुल गुप्ता ने ग्रामीण अचल से आए पुरुष व महिलाओं को अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए आयुष चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा की टीम ने लगभग 150 मरीजों को जांच कर दवाई दी। कैंप के आयोजक सुरेश गुप्ता राहुल गुप्ता ने बताया है, इस नेत्र परीक्षण कैंप के माध्यम से लोगों की मदद हो जाए यही मेरा उद्देश्य है, और आंखों में आने वाली समस्या का निदान हो, लोगों को खोई हुई आंखों की रोशनी उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के अच्छे और नेक कार्य के लिए स्वयं सदैव तत्पर रहते हैं, इसी नेक कार्य से मन में प्रसन्नता। जो आज आंखों का कैंप लगा है एसएन गुप्ता स्कूल में, कितने मरीज हैं मोतियाबिंद के और कैसे कैसे मरीज हैं? एक्चुअली ये कैंप हर साल, मतलब ये हर महीने लगता है आपके एसएन गुप्ता पब्लिक स्कूल पहुंच में, और आज करीब 440 मरीजों का हम लोग परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से करीब 120 मरीज मोतियाबिंद के लिए कलेक्ट किए गए। अब देखते हैं कितने जाएंगे, फिर भी मान लेते हैं कि 70-80 मरीज चित्रकूट ऑपरेशन किए जाएंगे। उनमें से करीब 100-150 मरीजों को दवाई दी गई और इतने ही लोगों को चश्मा भी दिया गया, और बाद में जो पिछले महीने ऑपरेशन कराने लोगों ने जाए थे उनको भी जाँच करके निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। डॉक्टर साहब, जो सर्दी के मौसम में आंखों में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? देखिए, आंखों में बीमारियों का मौसम से कोई लेना देना नहीं, सर्दी हो या गर्मी हो हर समय बीमारी हो सकती है। हाँ, लोगों में ये जरूर मानसिकता है कि हमें सर्दी में ही ऑपरेशन कराना है, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ये भ्रम है लोगों का, मिथ है। हालांकि जब बीमारी हो तब भी ऑपरेशन कराना चाहिए, तभी इलाज कराना चाहिए, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि सर्दियों में ज़्यादा ऑपरेशन अच्छे होते हैं और ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिथ ही है। सर्दियों का मौसम वैसे हेल्दी मौसम होता है, लेकिन फिर भी ठंडियों में एलर्जी हो जाती है लोगों को, आंखों में आंसू आना, लाल हो जाना, जिन लोगों को ड्राइनेस की शिकायत होती है उनकी आंखों में सूखापन आ जाता है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर साहब, जो आज आपने ओपीडी देखे हैं मरीज, इनमें कोई क्रिटिकल मरीज दिखा है, कोई नई बीमारी हो जैसे? इसमें एक बच्चा आया था जो 10 साल का था, उसको प्रोप्टोसिस नाम की बीमारी थी, उसकी एक आंख पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी, और वो लोकल में ही कहीं इलाज करा रहा था, उसको सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमने जाँच किया और जाँच के बाद उसको हमने चित्रकूट के लिए रेफर किया है। उसके जो गार्जियन थे उनको बोला गया कि चित्रकूट लेके आइए, वहाँ पर उनका प्रॉपर तरीके से इलाज होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनकी मोतियाबिंद पक के सूख गया था, मतलब उसको बोले तो समलवाल में कन्वर्ट हो गया था, ग्लोकोमा में कन्वर्ट हो गया था, उन्होंने लेट किया, वो गर्मियों में उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए था, लेकिन वो सर्दियों में इंतजार करते रह गए, वो इंतजार की वजह से वो टाइम निकल गया मोतियाबिंद का, तो अभी बहुत कम चांस बनेगा उनका ना रोशनी आने का, पहले तो ऑपरेशन ही नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो बहुत कम चांस रहेंगे कि उनको रोशनी आए। तो ऐसा जो लोग करते हैं ना, ठंडी का इंतजार करते रहते हैं, ये सब चीजें दूर। आज आपके जो विद्यालय में नेत्र का कैंप लगा है, ये कितने डॉक्टर आए हैं और कितनी भीड़ भाड़ है, कितने लोग जो है दिखाए हैं? नेत्र चित्रकूट से जो है 6 से 7 लोगों की टीम आती है जो लोगों का नेत्र परीक्षण करती है। मुख्य रूप से ये कैंप जो है वो मोतियाबिंद से संबंधित ऑपरेशन से संबंधित है, और उसके साथ साथ जो है नेत्र परीक्षण करके विशेष सलाह दी जाती है कि यदि नेत्र में कोई कमी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो उन्हें उसके संबंध में परामर्श दिया जाता है और दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो ये जो ऑपरेशन होता है उसका खर्चा
वैसे तो किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है इसमें, यह संपूर्ण रूप से निःशुल्क ऑपरेशन है। यहाँ पर आपकी जांच से लेकर ऑपरेशन तक का पूरा खर्चा सद्गुरु सेवा ट्रस्ट ही उठाती है, जो चित्रकूट में नेत्र चिकित्सालय है वही पूरे उनके तत्वाधान में और वही पूरा खर्चा वहन करते हैं। लेकिन यदि किसी मरीज को कोई विशेष अतिरिक्त अपनी तरफ से कोई विशेष लेंस लगाने की आवश्यकता हो तो वो वहाँ जाकर विशेष लेंस की वो सेवा प्राप्त कर सकता है। आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा इतनी रहती है कि लोगों को देखते हुए कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने में असमर्थ होते हैं, नहीं जा पाते, उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता है, तो उससे ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम चित्रकूट वालों को यहाँ पर आमंत्रित करें और वो अपना कैंप यहाँ पर लगाएं, जिससे कि यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके और उन लोगों को इसका लाभ मिल सके जो बेचारे असहाय हैं, अपनी सेवा खुद से नहीं कर पाते। एक अनवरत चलता रहेगा ये, अनवरत चलता रहेगा जब तक लोगों का सहयोग, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी।